हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का जो वीडियो है वो मैंने वॉशरूम से क्यों शुरू किया, मैं वॉशरूम में क्यों खड़ी हूँ। तो एक्चुअली आज का जो प्रैंक है ना वो मुझे वॉशरूम से ही आइडिया है। पूछो क्या, ये समझ लो ये भी एक मैसेज ही होगा आप लोगों के लिए, अच्छा मैसेज होगा। तो ये देखिए, ये फ़ोन यहाँ है, यहाँ पर कमोड है और ये फ़ोन है, ये देखो। और ये है किसका फ़ोन? तो ये है मेरे हस्बैंड का फ़ोन। और कहाँ पर छोड़ कर गए देख लो ज़रा, अगर ये यहाँ से गिरेगा तो सीधे कमोड में जाएगा, राइट? तो आज सबक सिखाना है कि ऐसे गलती ना हो यार। आजकल फ़ोन इतने महंगे आते हैं, चीज़ें इतनी महंगी होती है, और सबसे बड़ी बात है कि फ़ोन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपकी काम की चीज़ें होती हैं, तो संभाल के रखो ना। बट यही है, जल्दबाजी होता है। वो जिम जा रहे थे और वैसे छोड़ दिया। तो चलो वो जिम से आएंगे ना, फिर मैं प्रैंक करती हूँ। और आज का भी प्रैंक मैं हॉल में ही करूँगी, क्योंकि वो जिम से आने के बाद हॉल में ही बैठते हैं, बेडरूम में तुरंत नहीं जाते। तो मैं फ़ोन को दूँगी छिपा और साइलेंट करके छुपा दूँगी उस फ़ोन को, और फिर वो ढूँढेंगे फ़ोन, और फिर मैं उनको इरिटेट करूँगी, मतलब मैं मज़े करूँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी फ़ोन गुम हो गया, ठीक है? और फिर देखो क्या होता है। तो ये प्रैंक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, और मेरे को पता है डेफिनेटली कि जितन को बहुत गुस्सा आने वाला, बहुत ज़्यादा, मतलब उनका फ़ोन ना मिले तो बड़ी बात है। और आज पता नहीं कैसे छूट के चले गए वो, नहीं तो फ़ोन तो ले ही जाते हैं। चलो स्टार्ट करती हूँ। अच्छा सुनो, मैंने यहाँ लगाया है कैमरा, यहाँ से पूरा आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ मैंने लगाया है कैमरा, और जब वो ढूंढेंगे फ़ोन तो मैंने ये सोचा है कि वो फ़ोन ढूंढेंगे तो फिर मेरे फ़ोन से वो फ़ोन करेंगे उस पर। तो पहले तो रिंग जाने दूंगी, और फिर क्या करूँगी, जाकर मैं किसी भी बहाने जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना, जाके स्विच ऑफ कर दूंगी फ़ोन को। तो उससे क्या होगा कि लगेगा किसी के हाथ में तो नहीं लग गया है, क्योंकि लोग अगर कोई उठा लेता है तो बाद में स्विच ऑफ कर देता है अगर रिंग जाता है, वही मैं करूँगी। तो चलो कैमरा सेट है एंड एंजॉयमेंट चालू है, आप लोग एंजॉय करो और मैं जाकर अपना पोजीशन ले लेती हूँ। आ रही हूँ। अरे क्या हुआ, अरे थक गया भाई तुम, बाहर इतना टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में यार। टाइम क्या लगा दी, मैं वो बुक पढ़ रही थी। बुक पढ़ रही, बुक पढ़ते पढ़ते लगता है तुम सो गई। सो नहीं रही थी मैं। क्या सो नहीं रही थी, क्या कर रही थी फिर? बुक पढ़ रही थी, क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, बुक पढ़ रही थी भाई, बुक। बुक में पढ़ के कुछ सीखा नहीं, ऐसे ही बस हवा दारी बुक पढ़ रही होती होती तो बुक पढ़ रही थी तुम। बुक से तो क्या सीखूंगी मैं, खुद ही सीखती रहती हूँ, मैं लाइफ के एक्सपीरियंस से चीजें सीखती हूँ। आपको पता है ना कि हमारे घर में शूज नहीं अंदर लाते। अरे बट ये जिम के शूज है। हाँ तो आप बैग में रख दो प्लीज यार, इसमें वो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी, गंदे नहीं होते शूज, जिम हमारा बहुत साफ है। आई नो बट सिर्फ एक शूज इज शूज ना। आज तो मस्त मैंने शॉवर ओवर लिया, मजा आ गया यार। स्टीम नहीं लिया? स्टीम बंद है अभी जिम में, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड ऑल। हां स्टीम वगैरह स्पा सब बंद है अभी जिम में, शॉवर फिर चालू है सिर्फ, और वॉशरूम चालू है बस, तो सब बंद है। थक गया यार आज तो बड़ा। और बता तू देवी का क्या कर रही, सो रही है क्या? देवी को बस अभी खाना खिलाया, क्योंकि सुबह उसको उठना है 7 बजे। अच्छा उसको मैंने सुला दिया। और तीन चाबियां डाल के रखे हो। चलो तुम थोड़ा हाथ धो लो, फिर मैं खाना बोलना, फिर मैं खाऊंगी, मतलब हम खाएंगे, सॉरी।
धोनी यार एक सेकंड आप ये बैग में देखना है मेरा फोन होगा चेक कर देंगे क्या मेरा फोन होगा बैग में अभी तो तुमने भी देखा ना बैग देखो यार तो एक सेकंड बैग में तो सिर्फ शूज है फोन पर दिख रहा मुझे नहीं है तुमने दिखा नहीं क्या बात कर रही इसमें कुछ पैसे दिखे बस नहीं दिखा मुझे मैं कह रही हूँ फोन भाई गाने मत गा यार इधर फोन नहीं मिल रहा तेरे कानों की पड़ी हुई है फोन मैंने रखा है क्या मेरे एक सेकंड रुक ना भाई फोन मिला रहा हूँ ना तेरा मैं एक सेकंड तू गाने क्या गा रही है मजाक चल रहा है क्या भाई पता है ना कितने काम का फोन है वो ऑलरेडी मेरा एक फोन टूट चुका है पता है ना तुम्हें ये बात मुझे पता है फिर कहाँ तुमने लास्ट कब यूज किया था फोन पता नहीं घर में यूज किया होगा कहाँ यूज करूंगा मैं रिंग तो जा रही थी तब मेरा साइलेंट पे कभी होता ही नहीं है हमेशा बेल पे होता है हो सकता तुमने साइलेंट पे रख दिया हो अरे तो वाइब्रेशन पे तो होगा वाइब्रेट तो होगा यार यहीं पे बैठ के चला रहे थे ढूंढ तो लो चलो मैं भी ढूंढती हूँ कहीं तो होगा तुम्हारा फोन यहीं कहीं होगा जाके परेशान मत हो एक बार फिर से ट्राई करो क्या ट्राई करो भाई करो यार ऐसा थोड़ी होता है यार कपट की तरफ देखो अरे बेल जा रही है यार पता नहीं जबरा फोन कहाँ है यार कमाल हो गया तुम देखो फिर आराम से घर में भी रहना चाहिए था तुम्हें ध्यान रखना चाहिए तुम अरे यार देखो मतलब क्या यार ढूंढो ना यार फोन अरे ढूंढ तो लिया जितने अब तुम तुम आराम से यार किताब कैसे पढ़ सकती हो भाई यार ये क्या बात हुई देखो यार बेल जा रही है भाई अरे तुमने रखा वो तो संभाल के रखा होगा ना फोन कहीं देखो देखो घर में जाके बेडरूम वगैरह में देखो कहीं पड़ा हो लेकिन धीरे से जीविका सो रही है भाई मौसम मस्तारा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या भाई गाने वाले क्या गा रही हो तुम यार फोन नहीं मिल रहा भाई मेरा यार मैं गाना गा रही हूँ तुम्हारे फोन से क्या मतलब है अरे ढूंढो ना यार तुमने कहीं देखा होगा यार कितने काम की चीज है मेरा फोन यार कैसी बातें कर रही है पागलों वाली दिमाग खराब हो गया क्या अच्छा अच्छा मैं गाना नहीं गा रही मैं बुक पढ़ रही हूँ जाओ देखो टाइम यहाँ पे बुक क्या पढ़ रही है यार मेरा फोन ढूंढो जल्दी यार यार तुम चिल्ला रही हो मैंने थोड़ी देर रखा तुम्हारा फोन जो तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो मेरा ना दिमाग ना खराब करो बता रहा हूँ ये भी तोड़ दूंगा तो मेरा फोन मत तोड़ना भाई मेरा भी काम क्या है कमेंट्स वगैरह इसी से पढ़ती हूँ मैं भाई उठो मेरा फोन चेक करो उठो ढूंढो अच्छा मैं आ रही हूँ एक मिनट देखकर तुम इधर ही देखो मैं आ रही हूँ एक बार और देखूंगी फिर मैं ही ढूंढूंगी वहां कहां रखा है मुझे क्या मालूम तुम्हारा फोन यार देखो मैं जीविका विविका ना छेड़ा हो यार कहीं लेकर के बैठी हो अंदर वो सोने के बहाने से उसको देखो उसके रूम में जीविका सो रही है देखो ना गद्दे बस्ते के पास तो नहीं रखा ना कहीं यार इधर मैं देख कर आई हूँ जीविका सो रही धीरे बोलो जितने उठ जाएगी वो यार बच्चा है यार धीरे तो बोलो सुबह उसका स्कूल है भाई मैं वैसे ही बहुत थका हुआ आया हूँ मेरा दिमाग मत खराब करो ठीक है ना फोन ढूंढो मेरा अरे मुझे नहीं पता फोन कहाँ है मैं ढूंढी तो सही अब ये पूरा घर ही खराब कर ये क्या बात होती है खराब कर दिया तुमने यार ये गलत बात है एक तो चीजें पता नहीं कहां है क्या नहीं है मैं कहां ढूंढूं उसको एक मिनट तुम बैठो मैं पानी लाती हूं पहले ठीक है यार प्लीज चीजें मत फेंको जितने क्या है ये अच्छा तुम एक काम करो ना तुम एक मिनट बैठो मैं पानी लाती हूं पहले बैठो शांत हो तुमने
नहीं रखा होगा ना कहीं पे, बैठो यहीं पे। यार मेरा ना दिमाग खराब हो गया, देखो मेरा ना उसमें कितना काम है यार, पता है तुम्हें? मेरी सारी स्क्रिप्ट, मेरे सारे मेल का काम, मेरा ऑडिशंस, मेरे सारी फोटोग्राफ्स, कितना कुछ है उसमें भाई। तुम समझ ही नहीं रही यार बात को, जरा सा तुम्हें काम बोल रहा हूँ, ढूंढ लो इधर उधर, होगा कहीं पे। दोबारा करता हूँ फोन उस पर। ये लो पानी पे भाई, अब तू मिल नहीं रहा नंबर। क्यों? तुम्हारे जो नेटवर्क आ रहा है कि नहीं? अभी इसी से लगाया था ना, रिंग जा रही थी फोन पे। ये लो पानी पियो, तो कुछ रिंग ही नहीं बज रहा। कहीं बाहर तो नहीं छोड़ गया फोन? बाहर तो मैं कहीं गया ही नहीं यार, जिम ही तो गया। जिम गए थे तो यूज किया था क्या फोन को? जिम में मैंने यूज ही नहीं किया फोन यार, फिर कहाँ जाएगा? अच्छा पानी तो पियो, पहले पानी तो पियो जेतन, प्लीज पानी पियो। दो एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ। क्या ट्राई करूँगी यार तुम यार? अच्छा पानी तो पियो, नहीं लग रहा यार? ऑलरेडी एक फोन टूट चुका है यार। हाँ तो इस बार अगर गुम हो तो पापा बहुत गुस्सा करेंगे, मैं बता रही हूँ। पापा का तो गुस्सा करेंगे यार, मैं परेशान हो रहा हूँ, वो नहीं दिखा तुम्हें? नंबर ही नहीं लग रहा अभी यार। अरे तो तुम तो ऐसे बोलो से मैंने रखा हो फोन, हद हो गई। बाहर कहीं छूट गया होगा, कहीं शॉप वॉप पे तो नहीं गए थे? शॉप पे गए थे, कहीं छोड़ दिया यार मैं यार। अच्छा पानी तो पियो, पहले पानी पियो, दिमाग शांत करो। नॉट अवेलेबल बता रहे हैं। ये तो नहीं लग रहा है, ये तो फोन ऑफ बता रहा है शायद, ये नेटवर्क में नहीं कुछ ऐसा ही। जी मैं फोन करता हूँ भाई, देखो। देखो देखो करके है, जिनका नंबर मैंने सेव किया हुआ है, किया है जिम कर गया होगा। कहाँ है जिम करके, तो कोई नंबर ही नहीं है इसमें। हाँ अच्छा सॉरी, है ही नहीं इसमें, लेकिन मैं क्यों जिम का नंबर सेव करूँ? मेरे को लगा जिम बहुत पुराने जिम का नंबर था। क्या हुआ यार? घर में ही होगा भाई, कहीं नहीं जाएगा। नहीं मैंने पूरा घर, क्योंकि उसमें फोन है, बैटरी भी बहुत कम थी भाई मेरे, कहीं ऐसा ना हो सोचा भी ना ऑफ हो गया हो। ढूंढ लो भाई एक बार यार। अरे मैंने ढूंढा है, मैं कहाँ ढूंढू? मुझे भूख लगी है, मेरी भूख मर चुकी है भाई, मैं फोन नहीं मिल रहा तुम्हें, भूख लगी है यार, भूख कैसे लग सकती है? क्या बात हुई, बहुत भूख लगी है जोर। अभी क्या तुम यार मेरा? ठीक है तो तुम आराम से ढूंढो, हो जाएगा बताना, मैं तब तक अपना। कहाँ ढूंढूं यार आराम से? यार मैं आराम से ढूंढो, आराम से ढूंढो कर रही हो यार। अच्छा थोड़ा धीरे बात करो, मुझे किसी को फोन करना है अपना। यार पता नहीं कहाँ रख दिया यार। जितिन धीरे बोलो, मैं फोन कर रही हूँ कहीं। अरे यार तुम्हारा फोन इम्पोर्टेंट है, मेरा फोन मिलना इम्पोर्टेंट है, किसको फोन कर रही हो तुम? अरे तुम्हारा फोन गुम हो गया तो मैं अपना फोन ना यूज करूँ? फोन किसको कर रही हो लेकिन? अरे कुछ काम था इसलिए कर रही थी। ऐसा कौन सा काम पड़ गया भाई जो मेरे फोन घूम गया है, मिल नहीं रहा है, और तुम्हारा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा काम हो गया भाई? मुझे नहीं मिल रहा है ना भाई, मैं क्या करूं? मेरे को नहीं मिल रहा है फोन, मैंने ढूंढा उधर भी। अब धीरे बात करो, जिम उठ जाएगी दोबारा, बहुत मुश्किल होता है उसको सुलाना। अरे मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, आराम से छोड़ दो। पानी गिराओगे? ये तुमने हटाना नहीं था चार्ज से, मैं लगा के छोड़ के गया था तब से। अभी चार्ज नहीं है? चार्ज हो ही नहीं रहा है वो। अच्छा वो ऑफ है। अरे तो लेकिन बहुत टाइम हो गया, सच में बहुत भूख लगी है यार, खा ले। बड़ी हुई है। अच्छा खा लेते हैं, आराम से ढूंढ लेंगे। तेरा दिमाग खराब है क्या यार? कमाल की बात कर रही है यार, बिल्कुल ही तू यार दिमाग है, अजीब ही बात करती है बिल्कुल।
तू 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 बस हर गलती पे तू 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 मैंने किया है क्या यार? तू ढूंढ ले यार, खड़े होके यार, एक बार यार क्या चला जाएगा यार? यार तुझे पता होता है घर की चीजें कहाँ पड़ी हुई है? मैं चला गया था जिम। नहीं नहीं आपके फोन के बारे में मुझे नहीं पता होता कहाँ है। यार देख मेरा ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है अभी, मुझे मैंने बहुत देर से फोन चेक नहीं किया कितनी कॉल्स आई होंगी उसमें। ठीक है कॉल्स आई होंगे मैसेजेस आए होंगे मुझे देखना है यार। अच्छा फोन इतना इंपॉर्टेंट है? फोन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखो कहाँ रखा होगा फोन। मुझे कैसे पता चलेगा मेरा फोन गुम हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कहाँ रखा है? यार अगर मेरा फोन जरूरी है तो मैं संभाल के रखी होंगी ना कहीं। कहाँ संभाल के रखा था फोन ढूंढो आप, मेरे को तो नहीं पता यार। मेरे को यार ये रोज का है कुछ ना कुछ घूम कर देते हो, कभी चीजें यहाँ रखते हो कभी वहां पर, मेरे को नहीं पता कहाँ है। यार देखो मैं ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक गया हूँ यार, मेरा दिमाग चल नहीं रहा अभी। ठीक है मुझे भूख भी लग रही है, प्लीज मेरा फोन दो यार, कहाँ है यार मेरा फोन ढूंढो यार। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा, मैं नहीं ढूंढनी, मैं नहीं जानती यार। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा अपने फोन दो। रुक जा मेरा फोन मिला रहा हूँ उसमें। अरे बंद है तो फोन मिलाकर क्या फायदा है? अरे एक बार चेक तो करने दे भाई, क्या हो गया यार? फोन आ गया किसी का, हद कर लिया। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं ऑलरेडी यार करो नजायज मत किया करो यार चीज का। फोन तो देखो अभी मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मेरे पैर तोड़ दो। दोई हर बार चीजें अपनी गुम कर दो और फिर मेरे मेरे सिर पे बिल फाड़ दो। और भगवान मेरा फोन मिल जाए बस। पूरा घर खराब कर दिया, बुक्स वहां फेंक दिए, यहाँ मैंने डेकोरेशन किया वो खराब कर दिया। मैं बस दिन भर यही घर में काम करती रहूं। यार मैं सब ठीक कर दूंगा, भगवान मेरा फोन मिल जाए। बेटा आपका फोन बंद है, मुझे लग रहा है किसी ने उठा लिया, कहीं छोड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई बर्बाद नहीं होगा मैं, समझ नहीं हो, ऑलरेडी 1.5 लाख का पहले फोन टूट चुका और 1 लाख का ये लिया। हाँ तो ये आपको समझना चाहिए कहाँ रखा था आपने, कुछ तो याद करो कि कहीं रखा था लास्ट टाइम फोन कहाँ। यार मैं कहाँ गया था यार मैं जिम जाने से पहले घर में अभी फ्रेश हुआ था, फ्रेश होकर के मैं जिम चला गया था। हाँ फिर तो जिम में कहीं कहीं रखा हो यार? जिम में मैंने यूज ही नहीं किया है फोन, और गाड़ी में भी नहीं हो सकता कि बाइक किससे गए थे? गाड़ी से गया था भाई, लेकिन उतरने के टाइम तो आप चेक करते हो। मैंने यूज ही नहीं किया मैं फोन, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा था फोन को यूज करने का, क्योंकि मैं वर्कआउट में बिजी था। भाई घर में ही होगा पक्का, इधर उधर होगा यार। यार मैं समझ नहीं आ रहा यार, यार घर की चीजें मत तोड़ो। चीजें इतनी जरूरी होती है ना तो चीजें संभाल के रखनी चाहिए। मैं अपने सिर पर मारूंगा जूते। क्या है जूते? नहीं क्या तमाशा है ये सब? यार फोन इंपॉर्टेंट है ना, है ना इंपॉर्टेंट? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ना यार, तो चीजें संभाल के रखनी चाहिए ना फिर। भाई संभाल के रखता हूं मैं, क्या संभाल के नहीं रखा मैंने? क्या बात कर रही हो यार तुम? ये बहुत बार हुआ है ऐसा, और ये लास्ट मैंने खुद देखा है फोन का रखा है आपने। ठीक है ये प्रैंक हो रहा है, मैं तेरे सिर पर मारूंगा ये झूठ मत बोलने से। ठीक है अरे मैं सच में ये प्रैंक हो रहा है, और आपका फोन वहां बाथरूम में था पड़ा हुआ, कमोड में गिर जाता फोन। ये प्रैंक करने वाली चीज है यार, मैं परेशान हो रहा थी देर से, ये सिर पे तो मारने से मैं अपने सिर पे मार लेता हूं। ये क्या बात होती है? लेकिन एक बात बताओ, आपका फोन गिर जाता कमोड में यार, ये प्रैंक है यार, ये क्या प्रैंक हुआ यार? ये प्रैंक ही था। दो मेरा फोन यार। पहले ये बताओ कि आप अपनी चीजें ऐसे बाथरूम में नहीं छोड़ोगे? यार प्लीज मेरा फोन दो यार। अब ये प्रैंक, अब तो फोन घर में ही है ना, अब शांत हो जाओ। भाई मेरे को फोन मेरे हाथ में दो, पहले दिखाओ मुझे कहाँ है। अरे है भाई, पहले उधर लेकिन कैमरा देख लो, कबर्ड के पीछे, वो देखो जीविका के कबर्ड के पीछे उधर। यार हद हो गई है यार बिल्कुल इस घर में तो, हर चीज की कैमरा 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 के बाहर भी दुनिया है भाई।
तरीका ये लड़की छोड़ेगी नहीं लगता मुझे, है ना? कमाल हो गया बिल्कुल। कैसा लगा मेरा बाजार? अभी गिरता था, अभी फिर गिरता। मैंने ये फोन स्विच ऑफ कर दिया है, बैटरी दी गई है। स्विच ऑफ कब कर दिया तुमने? अभी तो बेल जा रही थी फोन पे। पहले बेल जा रही थी, फिर दोबारा जा रही थी क्या? तो स्विच ऑफ कर रहे थे, तुम तो यहीं थी मेरे साथ। क्यों, पानी लेने नहीं गई थी मैं? चीजें सवाल करके रखोगे ना, आज गिर जाता था। पता क्या हुआ, आपने वॉशरूम में रखा था फोन और मैं गई वहां पे किसी काम से। तो मैं नहीं करूंगा किस, क्योंकि तूने मेरा बहुत सताया अभी। मैं मांग भी नहीं रही तुम्हारा किस पिस। ठीक है, मजा आ गया। मजा आ गया ना? लेकिन मेरी कोई ऐसी चीज, मेरे पास ऐसी कोई चीज भी नहीं है बेटा। ऐसा करूंगा ना, ना तू रोई और मेरे पैर ना पकड़ेगा तूने, तो तू देख लियो, उस हद तक ले जाऊंगा। तू देखियो अगला प्रैंक जो होगा, ऐसा करूंगा। अच्छा अभी हो गया ना, अभी पहले इनसे तो पूछो कि मजा कैसा आया। मेरे बाप रे, घुसवा दो मुझे उसे कवर के अंदर, फिट कर दो। देख रहे हो हरकतें, देख रहे हो उसकी, मतलब हरकतें नहीं है, एक मैसेज है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि एक मैसेज है, आपकी इंपॉर्टेंट चीज गिर सकती है। अगर ये मान लो अभी मिल गए, ये तो चलो मजाक है। अभी आप कितने का, कितने देर मैंने मजाक किया होगा, 8-9 मिनट आपकी चीज आपको मिल गई। लेकिन अगर वो कमोड में गिर जाता तो भाई संभाल कर रख लेना चाहिए था ना। इसमें मजाक करने वाली कौन सी बात हो गई थी? ये मुझे सबक सिखाना था। सबक क्या सिखाना था? मैं कोई, अच्छा ये बताओ ये गलत बात, तू क्या हरकतें करता रहता है? आप समझ सिखा रही हो बेटा। आप लोग भी कोई जरूरी चीज हो तो इस तरह से मत करो। ऐसा मेरा मुंह दबाने से कुछ नहीं होगा, सच बोलने से मैं पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है? और बोलता रहूंगा, चुप नहीं रहा सकती तू मुझे। ये बताओ कितनी चीज है यार फैला दी, मुझे भूख लगी है यार सच में। ये प्रैंक नहीं था, ये सच में मुझे भूख लगी थी। चलो वो तो मैं ठीक कर दूंगा चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका बदला लिया जाएगा। लो लो, यही तो ये चाहते है कि हर प्रैंक का बदला प्रैंक से लिया जाए। आप लोग यही चाहते हो ना? प्रैंक नहीं, अब जो अगला मैं प्रैंक करने वाला हूँ ना, वो ऐसा भयानक प्रैंक करूंगा ना, तुम्हें बताऊंगा मैं। बताऊंगा? अरे फिर वो प्रैंक कैसे होगा? तुम्हें बताऊंगा मतलब प्रैंक में बताऊंगा। अच्छा, किस हद तक वो प्रैंक जाएगा? अच्छा, एक बार लगेगा भी नहीं कि वो प्रैंक है, लेकिन वो ऐसा होगा ना, मेरे मुंह चौड़ा। ये कौन सा प्रैंक है? कह रहे मेरा मुंह चौड़ा हो जाएगा। मैं ये कह रही हूँ कि भाई आप लोग प्रैंक को ना शेयर किया करो, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने कलीग को, हर किसी को शेयर करो। घर भी मुझे ठीक करना पड़ेगा, कर सजा है ये। आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और ताकि हम बहुत सारे प्रैंक्स बनाएं। ये मजाक कैसा लगा मुझे नहीं पता, हो सकता है जतन बहुत ज्यादा परेशान हो गए होंगे, लेकिन प्लीज इस प्रैंक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि आज ये जो डब्बे और ये बुक्स, ये मेरे सिर पे भी पड़ सकता था, तो इतना बड़ा रिस्क लिया है भाई। तो प्लीज प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे हमें फॉलो करो, हमारे रील्स को भी लाइक करो, शेयर करो। Stay safe, stay healthy, guys. अपना ध्यान रखो, bye bye, take care, bye. यार प्लीज नाराज तो नहीं होना, लेकिन बताता हूँ।